नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित स्वामी विवेकानंद गर्ल्स सेंटर कॉलेज सेवला चौराहे पर मंगलवार को बड़ी धूमधाम के साथ हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा भगवान राम सीता लक्ष्मण एवं हनुमान जी के स्वरूप धारण कर छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। स्कूल के प्रबंधक लोकेंद्र दुबे ने जहां हनुमान जी के जन्मोत्सव पर प्रकाश डाला, साथ ही साथ हाल ही में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम में स्कूल में टॉप 10 आने वाले सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों का स्वागत और सम्मान किया गया, जिसमें इंटरमीडिएट में छात्रा रश्मि करण 93% लाकर विद्यालय में प्रथम स्थान पर हासिल किया है, तो वहीं साथ ही दूसरे स्थान पर अंकुश और तीसरे स्थान पर अनुचार रही हैं। वहीं आपको हाईस्कूल में प्रथम स्थान हासिल करने वाले छात्र जतिन बैसरम ने यहाँ 89% अंक प्राप्त किए हैं, तो दूसरे नंबर पर अभिकेश लवानिया और तीसरे स्थान पर छात्रा जानवी रही है। इसी प्रकार स्कूल में टॉप 10 रहने वाले सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को मेडल और ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है और इस मौके पर मौजूद रहे स्कूल के प्रबंधक लोकेंद्र दुबे, प्रधानाचार्य डॉक्टर सुरेश चंद शर्मा, उप प्रधानाचार्य बाबूलाल अमरेश त्यागी, सौरभ सिंह, मनु प्रवीण, निशान गिरीश चंद शर्मा, रघुनाथ सिंह, प्रमोद कुमार, सुभाष लमानिया सहित सहायक अध्यापक एवं अभिभावक भी मौजूद रहे। तो जानिए क्या कुछ कहना है छात्रा का, किस प्रकार उन्होंने सफलता पाई है, साथ ही साथ अभिभावकों का और स्कूल प्रबंधक का। मैं लोकेंद्र दुबे, प्रबंधक विवेकानंद गर्ल्स सेंटर कॉलेज सेवला सलाय आगरा। आज ही बड़ा खुशी का दिन है क्यों, आज हमारे इष्ट देव भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बहुत ही सुंदर अपनी प्रतिभाएं बताई हैं। हनुमान जी सीता राम की, राम लखन की, सबकी एक उनके स्वरूप बना करके प्रस्तुति दी है और हनुमान जी का स्वरूप तो इतना ही सुंदर था कि देखने दिखाने लायक था। तो आज बहुत ही भव्य रूप से पूरे विद्यालय ने भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया है और उनके बारे में लोगों ने, छात्र छात्राओं ने, अध्यापकों ने और उनके बारे में जानकारी दी है। इसके साथ साथ हमारे विद्यालय में एक डबल खुशी ये भी है कि हमारे विद्यालय का बोर्ड का जो परीक्षा परिणाम है बहुत ही अच्छा रहा है। वर्ष 2023-24 का परीक्षा परिणाम 94-95% तक हमारे बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं, तो उन सभी बच्चों को जो टॉप 10 में आते हैं हमारे विद्यालय के, उनको प्लस उनके अभिभावकों को बुला करके सम्मानित किया है और उनको सील प्रदान की है और एक सम्मान चिन्ह भी प्राप्त किया गया है। अभिभावक बहुत ही प्रसन्न और खुश हैं कि इस विद्यालय के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छा अनुशासन रहता है, उसी के परिणाम स्वरूप इस विद्यालय का परीक्षाफल बहुत अच्छा रहा है। अभिभावकों ने स्वयं मंच पर आकर के उसकी बोला है, बच्चों को प्रेरित किया है कि विद्यालय में रहें, अनुशासित रहें और पढ़ाई करें तो आपके बच्चों के नंबर भी और अच्छे आएंगे। धन्यवाद। कुमारी करण है, मैं कक्षा 12th की छात्रा हूँ विवेकानंद गर्ल्स सेंटर कॉलेज से। मैंने नर्सरी से पढ़ाई स्टार्ट की थी और 12th मेरी यहीं से हुई है, इसलिए मेरा फर्स्ट और लास्ट स्कूल यही है। कक्षा 10th में भी मैंने 86% स्कोर किया था, स्कूल टॉप था, वो भी सिर्फ मेरे टीचर्स की वजह से, और उसी के बेस पे यानी उसी को जज्बा बनाते हुए मैंने 12th में भी अच्छे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश की और 93% स्कोर किया। लेकिन ये सब सपोर्ट जब तक टीचर्स का, पेरेंट्स का आपके थ्रू नहीं होता है पूरा, आप कुछ करने के लायक नहीं होते हो। तो जब मेरे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया, बोला कि तो मैं बाकी सब चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरे फादर मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक तरह से बिजनेस मैन ही है, ना ज़्यादा अच्छी इनकम है ना कुछ, फिर भी मैंने उनकी ओर ध्यान रखते हुए और स्कूल का भरोसा जीतते हुए अच्छे से पढ़ाई की और स्कोर किया। सर पढ़ाई तो लगभग 5 से 6 घंटे लेकिन लगातार नहीं हो पाता था, लेकिन कंसिस्टेंसी टाइम से ज़्यादा मैटर करती है कि आप कितना घंटे और क्या पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, तरीका ज़्यादा मैटर करता है घंटों से ज़्यादा। इसलिए मैं लगभग 5 से 6 घंटे 24 घंटे में डेली हो जाता था, चाहे रुक रुक के या एक साथ लगातार। आगे चल के सर IAS ऑफिसर बनना। किस प्रकार की तैयारी रहेगी इसके लिए? इसके लिए सर मैं जितनी हो सकेगी कड़ी से कड़ी मेहनत, जो नहीं होगा उसको भी पूरा प्रयास करूंगी सर। IAS का सपना कब तक पूरा है, क्या कारण है? सर कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं फैमिली की कि आपके सपने जब तक बड़े नहीं देखोगे तब तक उनको पूरा करने का साहस भी नहीं आता है।
प्रमोद कुमार करण उर्फ मौसा जी। किस प्रकार का कारोबार है? मेरा टेंट का कारोबार है और मेरी बच्ची विवेकानंद स्कूल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती है, जिसके अध्यापक इतने बढ़िया हैं, जिन्होंने पिछले हाई स्कूल में भी इसने स्कूल टॉप किया था यहाँ से ही, और अब भी इंटरव्यू में टॉप किया है और इसको सम्मानित किया गया है अच्छी तरीके से, और बहुत लायक करते हैं, बहुत लायक स्कूल है, बढ़िया स्कूल है, स्टाफ बहुत काफ़ी अच्छा है, शिक्षा बढ़िया है स्कूल की, और हमारे बच्चे पढ़ लिख के ज़्यादा योग्य बन रहे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। ज़्यादा स्कूल का सपोर्ट किस प्रकार कर रहा है? स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया था, हर तरीके से, हर परिस्थिति में स्कूल सपोर्ट करता है, और सबसे बड़ी बात है स्टाफ इतना अच्छा है यहाँ का, बढ़िया है, जिसको कहने का जवाब नहीं है, बहुत ही लायक स्टाफ और मालिक तो। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीबीएन।